टू बैक पेपर इम्पोर्टेंट, क्योंकि दोस्तों कई सारे छात्र पूछ रहे हैं कि सर मेरे रिजल्ट में 4 बैक है, 3 बैक है, तो क्या हम एक बैक इस सेमेस्टर में और अगले सेमेस्टर में 2 बैक दे सकते हैं कि नहीं, तो इसको लेकर हम इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। चलिए करते हैं स्टार्ट। क्या है पूरी यहाँ बता सकते हैं, कुछ स्टूडेंट ने मेरे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज किया था, यूट्यूब पे कर ही रहे हैं कि अगर जैसे एक सेमेस्टर में 4 बैक तो क्या उसको क्लियर करने के लिए जो चांस मिलते हैं 2, 3, 4 यानी सेकंड, थर्ड, फोर्थ सेमेस्टर, तो क्या हम एक सेमेस्टर में जिन जिन 4 सब्जेक्ट में हैं वो हम नेक्स्ट सेमेस्टर में 2-2 सब्जेक्ट दे सकते हैं कि नहीं। तो देखिए भाई, अगर आपका कोई भी सेमेस्टर है, मान लीजिए आपकी 4 बैक आ गई, तो आप चाहो थर्ड सेमेस्टर में भी 2 दे सकते। देखो ये बी फार्मा वालों के रूल है, ठीक है, मान लो फर्स्ट सेमेस्टर में बैक है तो 2-2 आप जो है सेकंड सेमेस्टर में और 2 थर्ड सेमेस्टर बिल्कुल दे सकते हो। मान लीजिए आपका आर्ट हो, इवन जो भी हो, आप अगर उस सब्जेक्ट का एग्जामिनेशन फॉर्म भरेंगे, आप अगर 2 का भरेंगे 2 का एग्ज़ाम दे पाएंगे, 4 का भरेंगे 4, यानी जितने सब्जेक्ट का एग्जामिनेशन फॉर्म भरेंगे उतने ही का आप एग्ज़ाम दे पाएंगे। अगर आप एग्जामिनेशन फॉर्म नहीं भरेंगे तो नहीं दे पाएंगे। तो आपको जो एग्ज़ाम देना जिस सेमेस्टर में वही सब्जेक्ट का एग्जामिनेशन फॉर्म भरिए, अदरवाइज उसको छोड़ दीजिए, एग्ज़ाम ऑटोमेटिक आप उसी का दे पाएंगे जो एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप करेंगे। तो आई होप क्लियर।